हेलो इंस्पेक्टर तारा। हाँ सर। तुम्हें आज ही खानदेश के लिए एक स्पेशल मिशन पर निकलना है। क्या मिशन है सर? ड्रग्स और नशीली गोलियाँ जो पंजाब और मध्य प्रदेश के रास्ते खानदेश पहुँचती है, इन सब के पीछे एक बहुत ही खतरनाक आदमी का हाथ है, चिंटू अंसारी। दिखने में वो जितना छोटा है उतना ही बड़ा उसका शातिर दिमाग है। तुम्हें चिंटू अंसारी के मूवमेंट पे नजर रखनी है। ओके सर, लेकिन इस मिशन पे अपना कोई और आदमी है या नहीं? उस बात की तुम फिक्र मत करो, पठान तुम्हें खुद कांटेक्ट कर लेगा। आई होप कि तुम इस मिशन से कामयाब लौटोगी। ओके बाय सर। बाय। पठान, इंटरेस्टिंग नेम। अच्छा हुआ साला वो पठान चला गया। पठान जिंदा है, पठान कहीं गया नहीं। गोलियां कहाँ है? अरे अपुन के पास कोई गोली नहीं है। गोलियां कहाँ है? पठान, अपुन ने बोला ना अपुन के पास कोई गोली वोली नहीं। गोलियां कहाँ? अपुन के पास कोई गोली वोली नहीं है। ये ड्रग्स फैलाकर तुम लोगों ने सारी इंसानियत से पंगा लिया, और जो इंसान का दुश्मन वो पठान का दुश्मन, चाहे बोल देना वो तेरे चिंटू अंसारी से। बॉस, गजब हो गया बॉस। अबे बकेंगा भी, हुआ क्या? तू तो माल लेके सूरत जा रहा था ना। अरे रस्ते में अपुन को वो पठान मिल गया, उसने पूरा माल छीन लिया अपुन का। भाई साले इधर आ। साले माल लेके गया तो तेरे को कैसा छोड़ा रे उसने? अरे बॉस आपको मैसेज देने के लिए। पठान ने बोला जाके बोले तेरे बॉस को बोल दे, जो इंसान का दुश्मन वो पठान का दुश्मन, और बॉस पठान अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता। साला ये पठान, अभी तो इसका गेम करना ही पड़ेगा। अरे मैडम तुम यहाँ मेरे नहीं आए ले, मैं तुमको एक बात बता रहा, यहाँ ड्रग्स का जो भी कारोबार होता ना वो चिंटू अंसारी है ना उसका हाथ है। हाँ मैडम, ये चिंटू अंसारी है ना बहुत डेंजर आदमी है, इससे ना बच के रहना। ठीक है ठीक है, लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ कि ये ड्रग्स खानदेश में लाता कौन है? ये कतील लोग रहते ना चरसुल्ले, वो खानदेश में ड्रग्स लाते। अच्छा तो आज से बी अलर्ट ना, हमको ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग वालों पे है ना खास नजर रखना है। ओके अंधे फकीर को दे दे बाबा, अंधा फकीर तुमको दिल से दुआ देगा। देख रहे मुंगला, ये वो अंधा फकीर जो ड्रग्स हुए ना आगे बढ़ाता। ऐसा? हाँ। तो ये है, देख चिंदे तारा मैडम है ना वो डेंजर है, ऐसे लोगों को है ना छोड़ेगी नहीं। तुम 1 रुपया देंगे तुमको 10 रुपया मिलेगा, ये अंधा फकीर तुम्हें दिल से दुआ देगा। जो दिया उसका भला, जो ना दिया उसके घर में घुस जाए भला। वो आ रहा है भिखारी के पास, ये ले माल को आगे बढ़ाए। अरे मेरे बाप रे, अरे सिंधे ये तो अंधा भी नहीं है, ये तो नाटक कर रहा था अंधे कौन का। ये देख जा रहा ये चल सिंधे चल। भागने की कोशिश मत करना। हाँ छोड़ बोलूँगा।
कौन? लोगों के दिमाग का तान पठान। मैं इंस्पेक्टर चौबे। बताया था मुझे रणबीर सर ने तुम्हारे बारे में कि तुम काम कम करती हो और खाना ज्यादा खाती हो। वैसे जान बचाने के लिए थैंक्स। काफी कुछ जानते हो मेरे बारे में। काफी कुछ तो नहीं जानता लेकिन जानना चाहता हूँ। अच्छा तो चलो कहीं पर बैठ के कॉफी पीते हैं। अभी नहीं, कुछ जरूरी काम याद आ गया, फिर कभी। हेलो। हाँ पठान। हाँ तारा बोलो। मुझे ना चिंटू अंसारी के ठिकाने का पता चल गया है और मैं वहाँ जा रही हूँ। वहाँ पर अकेली मत जाना तारा, वो जगह खतरे से खाली नहीं है। पठान, खतरों से खेलने में सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी मजा आता है। अच्छा चलो मैं जा रही हूँ। और हाँ, लोकेशन मैंने आपको सेंड कर दिया है, फॉलो मी। कहाँ रहे तेरा वो चिंटू अंसारी? बता चल, बता कहाँ, बता, बोली ना नहीं बताएगा। कहाँ है ये चिंटू अंसारी? तारा ऑफिसर ऑन द स्पेशल ड्यूटी माय फुट। तारा का है? आज तुम लेट हो गए पठान, तुम्हारी तारा तो आसमान में। सारे गुदड़िया धो के कबाट में रख दे चिंटू अंसारी, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा गर्म होने वाला है। अच्छा हुआ आज जिंदा छोड़ दिए मुझे। रेखा में बात मत कर चिंटू अंसारी, तेको मालूम नहीं है, वो रस्सी नहीं है, वो रस्सी में बॉम है। क्या? हाँ। हाय गाइस, सो हमारी न्यू वीडियो आ चुकी है जैनिया पठान। सो गाइस, हमारा चैनल है आरएस एंटरटेनमेंट, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।